नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मोबाइल कंपनी जियो टावर से केबल चोरी के मामले में अंतर जिला गिरोह को पकड़ने में खरोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10-12 बंडल तार और गाड़ी सहित लगभग 11 लाख का माल जब्त किया गया है। खरोरा सहित आसपास के क्षेत्रों में चोर गिरोह लंबे समय से चोरी छिपी का खेल खेल रहे थे, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान थे, जिसकी लगातार शिकायतें थाने में दर्ज हो रही थी, जिसे थाना प्रभारी रमेश मरकाम गंभीरता से लेते हुए पेट्रोलिंग में कसावट की और टीम वर्क के माध्यम से अपने पुलिस परिवार के साथ मिलकर मुखबिरी लगाकर इन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। देखिए खरोरा से जोगी सलूजा की रिपोर्ट। चोर मोबाइल टावर में लगे केबल चोरी करने में माहिर थे। खरोरा क्षेत्र के माट गांव सहित अन्य जगहों से जियो कंपनी के टावर से आए दिन केबल व बैटरी की चोरी की घटना घट रही थी। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा केबल सहित अन्य सामानों की चोरी होने की शिकायत खरोरा थाने में की जा रही थी। इसी बीच मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि केबल में लगे कॉपर बेचने के फिराक में कुछ लोग लगे हुए हैं, कि सूचना पर खरोरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खरोरा पुलिस ने कार्यवाही करते अंतर जिला गिरोह को गिरफ्तार कर कार्यवाही सभी आरोपियों से चोरी की गई केबल वायर बैटरी सहित चोरी इस्तेमाल औजार व पिकअप वाहन जब्त किया। पुलिस ने बलौदा बाजार जिले के थाना सिमगा निवासी टिकेश्वर बंजारे, पिता भुवनेश्वर, टिकेंद्र मनहरे, पिता शत्रुहन, साकरा सिमगा निवासी भावेश साहू, पिता खेदू साहू के ऊपर चोरी के अपराध दर्ज कर जेल भेजा गया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।